Dear students, Assalamualaikum. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आइसोटोप्स। वो बेटा क्या है आइसोटोप्स? बेटे आपने कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है बताएं? जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो तो बताएं कि आपने कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आपने 118 एलिमेंट्स का नाम सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल देखा होगा, वहाँ पे कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का, जो सबसे मशहूर और मारूफ एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन का, इसी तरह आपने कुल 118 एलिमेंट्स का नाम सुना होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की। अब कार्बन के स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करें तो सेंटर में बेटे क्या होता है, ये बातें तो आप बता रहे हैं ना, ये मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री की, जो बातें आपको पता है वही डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में क्या होता है बेटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स, इर्द गिर्द शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बताएं सेंटर में क्या होता है प्रोटॉन्स और क्या होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने शेल्स में। अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटे क्या है? 6। जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम कार्बन की ये तीन स्ट्रक्चर्स अगर हम ड्रा करें डायग्राम्स तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6, इसमें भी ये भी वही है तो 6 ही होंगे। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है तो एक न्यूट्रल एटम में उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन, पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो न्यूट्रल एटम में अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 4, कुल मिला के कितने होंगे 6। पहले में बेटा कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 4, कुल कितने होंगे 6। कार्बन है तो पहले में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 6, 4, कुल मिला के कितने होंगे 6। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने अरेंज कर दिया। लेकिन आपको पता है कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, हमें पता चला है कि 7 भी हो सकते हैं, और हमें पता चला है कि 8 भी हो सकते हैं। तो बेटे देखें इनका एटॉमिक नंबर क्या है 6, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 7, एटॉमिक नंबर इन तीनों का क्या है 6 यानी कि 7। एटॉमिक मास को देखते हैं, एटॉमिक मास बेटा आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज का मास किधर होता है उसके सेंटर में, लाइक दिस, ये देखिए सेंटर में है तभी तो ये स्टे कर गए। इसी तरह एटम का मास उसके सेंटर में उसके न्यूक्लियस में होता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये इसका मास सारे के सारे किस पे डिपेंड करता है, इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 MU और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1 MU, कुल मिला के तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12 MU, तो इसका मास 12 हो गया, इसका मास कितना हो गया 6 and 7 13, इसका मास कितना हो गया 14। तो एटॉमिक मास 13 है amu, 14 amu या 15 amu, 12, 13 and 14 amu। तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, और एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में सेम होती है, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स।
पहला हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 10 सो ऑन 2 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 1 है उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पोजीशन भी इन तीनों की पीरियोडिक टेबल में सेम है। तो जब पोजीशन तीन बातें, पोजीशन भी क्या है पीरियोडिक टेबल में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम तो पोजीशन सेम, लेकिन मैसेज क्या है इन तीनों के, हैं तीनों कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो लेकिन मास नंबर, एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, उनको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी। तो एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनकी पोजीशन तो सेम है, आइसो मीन सेम, टोपोस से लगता है टोप्स, टोप्स टोपोस मीन पोजीशन, सेम पोजीशन हो, सेम प्लेस हो, प्लेस कॉल कर सकते। तो एस एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनकी पोजीशन, जिनकी प्लेस पीरियोडिक टेबल में सेम हो, पर डिफरेंट क्या होगा एटॉमिक मास, उनको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, द एटम्स of an element having same atomic number, number but different atomic mass, और atomic mass different क्यों होता है, due to different number of neutrons। न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस। सो एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम तो पोजीशन सेम, सेम पोजीशन वालों को क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट, और एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है अभी मैंने आपको दिखाया था डिफरेंट। अब चंद एक चीजों को डिस्कस करते हैं कि जो आइसोटोप, ये जो आइसोटोपी का फिनोमेना है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी आपको बताया, किसने बताया था, दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी इज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी, साइंटिस्ट का नेम याद रखते हैं, दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इन आइसोटोप्स की जो कि आपको ऑलरेडी पता है, उनको ही डिस्कस करना है, मुश्किल चीज नहीं है, समझेंगे तो आसान हो जाएगी। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज, आप मुझे बताएं जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, तो आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। आप मुझे बताएं जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें क्या होंगे सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम। देन आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, मास पे या साइज पे। अभी मुझे आप एक बात बताएं, ये जो एलिमेंट है उसका जो मास है वो डिफरेंट है, उसका मास अगर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे सेम।
देन आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप के सेम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो ही तो इसमें डिफरेंट है। असल चीज ये डिफरेंस वाली ये है, असल चीज डिफरेंस वाली क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद भी रखना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं किसमें, नंबर ऑफ आइसोटोप्स में। देखिए बेटा, जो आपके पास बहुत ही मशहूर एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों के तीन तीन आइसोटोप्स हैं। कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी तीन आइसोटोप्स हैं। ये चीज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह मेमोराइज करना। निकल के पांच आइसोटोप्स हैं, कितने आइसोटोप्स हैं बेटा, पांच। कैल्शियम के सिक्स, और आपके पास पैलेडियम के भी क्या है, पैलेडियम के बेटा क्या है, उसके भी सिक्स आइसोटोप्स हैं। टिन के आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं, 11 आइसोटोप्स हैं। तो बेटा याद रखना है कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, तीन, हाइड्रोजन के तीन, ऑक्सीजन के तीन, निकल के पांच, कैल्शियम के छह, पैलेडियम के सिक्स, टिन के 11। तो ये था जी बेटा आज का टॉपिक आइसोटोप्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसमें से आपने कोई भी अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आप बुक को कंसल्ट करें, स्टडी करें, एंड देन कल जब कोई अपलोड हो तो उसको अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।